हेलो फ्रेंड्स, मैं तेज आपका स्वागत करता हूं मेरी यूट्यूब चैनल ऑर्गेनिक गार्डनिंग में। आई होप आप अपना, अपने फैमिली का और अपने प्लांट्स का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। ये आप सामने देख रहे हैं, ये जेड प्लांट है। आज हम इसकी कटिंग लेंगे और कटिंग के द्वारा इसको ग्रो करना सीखेंगे। तो मैं इसकी 3 इंच की कटिंग लूँगा। इसकी कटिंग का कोई सीज़न नहीं होता, आप इसको गर्मी सर्दी कभी भी इसको ग्रो कर सकते हैं। इसमें विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि इसके जो ये लीव्स है इसके अंदर पल्प काफ़ी भरा हुआ रहता है, मॉइस्चर काफ़ी पल्पी होता है। ये जेड प्लांट हुआ, मनी प्लांट हुआ, एलोवेरा हुआ, अडेनियम हुआ, इनको बहुत ही ज़्यादा कम पानी की रिक्वायरमेंट रहती है। तो हम ये 3 इंच की कटिंग ले लेते हैं। ये ले ली। इसी प्रकार एक कटिंग और ले लेते हैं। ये हमने 2 कटिंग ले ली। जो लीव्स है ये हमें काटनी पड़ेगी। जो इसके नोड एरिया है उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये ऐसे आपको काटना है। ऐसे ही इसकी काटनी आपको। ये एक ऐसा प्लांट है, इसको आप एक प्लांट से काफी प्लांट बना सकते हैं। इसको मैं ग्रो करूंगा ओनली कोकोपीट में। अगर आपके पास कोकोपीट नहीं है तो आप सोइल को भी यूज़ कर सकते हैं। सोइल या कोकोपीट आप कुछ भी लें, उसमें आपको कोई भी फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करनी है, क्योंकि कटिंग में कभी फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं होती। मैंने इसको पुश नहीं किया है, सीधा इसको भर के रखा है। अब इसको लगाते हैं। ये देखिए, काफी सॉफ्ट मीडिया होता है इसको लगाने का। इसी प्रकार हम इसको भी लगा देंगे। इसको थोड़ा थोड़ा पटक लेंगे। ये हमने 2 कटिंग लगाई है। अब इसको हम पानी देंगे। आपको इसको ध्यान में रखना है कि पानी बहुत ही कम देना है। अगर आपने ज्यादा पानी दे दिया तो ये दोनों कटिंग गल के फेल हो जाएगी, और अगर आपने सीमित पानी दिया तो इसकी कटिंग चलेगी। अब देखते हैं ये कटिंग कब तक चलती है, कब तक ये ग्रो करते हैं, इसकी शूटिंग्स कब तक आती है। ये पार्ट 1 था, और जब ये अपनी शूटिंग्स स्टार्ट कर देगा तो मैं पार्ट 2 ज़रूर लेकर आऊँगा। थैंक यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर।